हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल गेमिंग मास्टर जी। दोस्तों, जैसे कि मैं बोला था, मैं आने वाले दिनों से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि मैं उस सीरीज़ में कई प्रो टिप्स दूंगा। दोस्तों, आज हमारा सीरीज़ का पहला वीडियो है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक देखना। और एक बात, यदि हमारे वीडियो में आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए। दोस्तों, चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, हम प्रो बनने के टिप्स देंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे मूवमेंट स्पीड को कैसे बढ़ाएं। मूवमेंट स्पीड का मेन पार्ट होता है स्लाइडिंग। दोस्तों, स्लाइडिंग सबसे मेन पार्ट होता है, इसलिए आपको स्लाइडिंग ज़रूर सीखना चाहिए। मैं आज बताऊंगा कि स्लाइडिंग क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसको हम कब यूज कर सकते हैं, इसके कौन से सेटिंग्स अच्छे हैं, और एडवांस स्लाइडिंग के बारे में। दोस्तों, तो फास्ट मैं बताना चाह रहा हूँ स्लाइडिंग क्या है। दोस्तों, स्लाइडिंग एक चीज़ है जैसे हमारे मूवमेंट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे दौड़ते वक्त स्लाइड करने को स्लाइडिंग कहते हैं, ये सभी को पता होगा। लेकिन कई नए प्लेयर्स को ये नहीं पता, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप यदि स्लाइडिंग कर रहे हो तो आपका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, नॉर्मल रन करके और स्लाइडिंग करके रन करके। और स्लाइडिंग तो हर जगह काम आता है, मल्टीप्लेयर हो या बैटल रॉयल। और इसके बाद बात करते हैं कौन सा सेटिंग स्लाइडिंग्स के लिए अच्छा है। दोस्तों, आप सेटिंग में बेसिक में जाके देख लो, स्लाइडिंग के दो ऑप्शन है, एक तो टैप वन टैप और दूसरा है होल्ड। दोस्तों, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वन टैप करें, क्योंकि वन टैप से क्या होता है कि आप एक टैप से ही स्लाइड कर देते हो। लेकिन आप यदि होल्ड वाला चूज़ करते हैं तो आपको क्राउच बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है। इसके आप यदि प्रैक्टिस कर लेते हो तो अच्छा है, लेकिन आप यदि भी नए प्लेयर्स हो तो आप वन टैप को ही रिकमेंडेड करो, क्योंकि वन टैप से आपका स्लाइडिंग अच्छा होता है और एडवांस स्लाइडिंग सीखने में भी जी होता है। उसके बाद बात करते हैं स्लाइडिंग्स के बेनिफिट्स। दोस्तों, बेनिफिट्स क्या है स्लाइडिंग के? स्लाइडिंग के बेनिफिट्स है कि ये आपका मूवमेंट स्पीड को ग्रो करता है, आपको अदर्स प्लेयर से फास्टेस्ट बनाता है। दोस्तों, आजकल गन इतना मैटर नहीं करता, आपका मूवमेंट स्पीड मैटर करता है। कोई भी बंदा आ जाए, लेकिन आप यदि आपका मूवमेंट स्पीड को बढ़ा के रखते हो तो आप उसको आराम से इजी से मार सकते हो। तो स्लाइडिंग के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मैं कुछ बता देता हूँ। दोस्तों, स्क्वाड से एस्केप करने का, हिट के समय मेडी मारने का भी एक बेनिफिट होता है। दोस्तों, आप यदि स्लाइड करके, आपका हेल्थ कम है और आप स्लाइड करके एनमी के आगे से बच के निकलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि स्लाइडिंग से एनमी का एम असिस्ट नहीं होता है। और बता देता हूँ कि कब आपको स्लाइडिंग करना है। दोस्तों, कई जगह है आपको स्लाइडिंग करना है। मैं बैटल रॉयल के दोस्तों बात कर रहा हूँ, आप यदि चाहते हैं मल्टीप्लेयर के तो मैं मल्टीप्लेयर के भी वीडियो ला दूँगा। आज चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हाँ दोस्तों, कब आपको यूज करना है, आप ध्यान देना। जमनी के सामने कॉम्पैक्ट फाइट लेने के समय भी आप स्लाइड यूज कर सकते हो, और कई बेनिफिट्स हैं और कई यूज हैं, आप यूज करने के बाद ही पता लगा सकते हो। और एक बात, आप यदि, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक गोडाउन में उतरे हो और आपका दो और एनमी भी एक गोडाउन में उतरा है, लेकिन आपका यदि मूवमेंट स्पीड ज़्यादा है तो आप उस घर में जाके गन लेके एनमी को मार सकते हो, वो गन उठाए से पहले। यदि आपका मूवमेंट स्पीड कम है, आपका मूवमेंट स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो वो आपको आके मार सकता है। तो स्क्वाड वाइप के समय भी मूवमेंट स्पीड मैटर करता है। आप देखोगे कई यूट्यूबर हैं जिनको
स्क्वाड वाइब इजी से कर लेते हैं क्योंकि वो स्लाइडिंग का प्रॉपर यूज करते हैं। एडवांस वो स्लाइडिंग तो नहीं करते, एडवांस स्लाइडिंग करते हैं लेकिन वो स्लाइडिंग से ही सीखते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी के लिए तो चलते हैं हम, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।